हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पार्थवी शर्मा और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ट्यूटोरियल मैजिशियन पार्थवी। तो आज का जो मैजिक है, आप लोग तो मेरे टाइटल लिख के तो समझ ही गए होंगे कि आज जो मैजिक होने वाला है एक रबर बैंड के साथ होने वाला है। तो ये जो मैजिक है, मैजिक का वीडियो, ये बहुत ही छोटा है, मतलब छोटा बन सकता है। वैसे मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूँगी, तो इसलिए मैं आज आपको ये मैजिक दिखाने जा रही हूँ। ये बच्चे भी कर सकते हैं और ये रबर बैंड सबके घर में मिलती है। ओके, जब मैं दिखाती हूँ फिर सिखाती भी हूँ कि मैजिक को कैसे किया जाता है। तो ये बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, बहुत ईजी मैजिक है ये। देखिए, मेरे पास एक रबर बैंड है, आप लोग तो देख सकते हैं। ओके, इसमें कुछ भी बंधा हुआ नहीं है, आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, मैं इसको खींच रही हूँ, अगर कोई धागा बंधा होगा तो निकल जाएगा। देखिए, अब देखिए मेरे हाथ में कुछ तो बंधा हुआ नहीं है, नहीं ना। अब मैं आपके सामने इस रबर बैंड को, ये जो मैजिक है ये कोई मैजिक नहीं है, बहुत मतलब ये कोई मैजिक नहीं कहलाता है, पर ये मैजिक के अंदर आता है, तो ये कोई कोई जानते होंगे। तो देखिए, मैंने आपके सामने ये अपनी दोनों उंगलियों को बांध, मतलब उसके अंदर रबर बैंड डाल दिया और मैं आपके सामने बंद कर लूँगी। देखिए, मैंने आपके सामने बंद कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब 1 2 3 कहने पे ये जो रबर बैंड है ये इन दोनों में आ जाएगी। देखना, 1 2 3, ये देखिए, ये उछल कर इन दोनों उंगलियों में आ गई। मैं आपके सामने फिर से करती हूँ जिससे कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। मैं अपना हाथ सामने रखूँगी। ओके, तो देखिए मैंने ऐसे कर लिया। और हाँ, मैं एक बात बता देती, मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आप लोग ने अभी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है और लाइक नहीं किया, ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और कमेंट में कुछ लिखा नहीं है, तो आप लोग को अभी के अभी मैं वीडियो पॉज करके ये सब करना पड़ेगा। तो मैंने आपके सामने ये कर लिया था। ओके, अब मैं आपके सामने हाथ रखती हूँ। ओके, अब देखना, 1 2 3। देखिए, मैंने अपने हाथ सामने रखा और ये उछल के आ गया। तो कुछ लोगों को तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और कुछ लोगों को बोरिंग, क्योंकि ये उनके लिए तो ये न्यू नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते होंगे। ओके, तो अब आती है ट्रिक की बारी। तो देखिए, मैंने ये रबर बैंड, इसमें कुछ भी करना नहीं है आपको, बस इसमें कुछ भी प्रैक्टिस बार बार नहीं करना है आपको, बस एक चीज़ करना है आपको, ऐसे करना है, आगे लेना है। ओके, आगे ले सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे इन दोनों में भी डाल सकते हैं, पर इसमें बेटर पड़ेगा। तो देखिए, मैंने ऐसे कर लिया था। ओके, फिर जब मैं ऐसे बंद कर रही थी तो मैं ये जो नाखून है अपने, उसके सामने रबर बैंड ले आई थी, तो सामने रबर बैंड ला के इन दोनों में आ गए थे। देखना आप लोग, ये देखिए, ऐसे सामने ले आते तो ये जो रबर बैंड है ये दूसरी उंगली में चली जाती है, उंगलियों में भी हो सकता है। देखिए, तो मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ। देखिए,
ऐसे आगे रखा मुट्ठी बंद की, मतलब ऐसे हाथ बंद किया कि अब ऐसे उंगली उठाई, ऐसे हो गया। तो इसमें कुछ भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। भाई कहाँ चली? अब मैं इन दोनों में भी करके दिखा रही हूँ। वैसे मैंने इन दोनों में ट्राई करके नहीं देखा है, वैसे मैं अभी इसमें ट्राई करके देख रही हूँ। तो देखिए ऐसे करना है, इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। ये देखिए मैंने ऐसे कर लिया, अब देखते हैं पता नहीं आएगा कि नहीं, या तो वो अटक जाएगा। अटकता है नहीं बहुत। ये देखिए ऐसे हो गया, आ गया इसमें। मुझे लगा था ये अटक जाएगा, क्योंकि मैंने जब पहली बार करे थे तो मैं ढंग से नहीं कर पाई थी। मतलब कि मैंने जब किया था तो मैंने अंगूठे को भी उसमें रख दिया था, तो वो हो नहीं पा रहा था और अटक जा रहा था। तो इसलिए आप लोग को अंगूठे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है ख़त्म हुई। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग ने मेरे भाई के पहली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो अभी के अभी जाकर सब करिए। ओके, और हाँ, अगर आप लोग को पहेलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप लोग को कौन सी पहेली चाहिए। मतलब आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि आप लास्ट में एक पहेली पूछना, इसका जवाब वो देंगे, ठीक, मतलब दूसरे वीडियो में। तो ये जो रबर बैंड है, रबर बैंड का हम लोग ऐसे खींचेंगे, ऐसे स्क्वायर बनाएंगे और ऐसे कर लेंगे, रेक्टेंगल बन गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ ये। हाँ, आप लोग को ऐसे करना पड़ेगा, सब पहले किसी को दिखाने से पहले आप लोग को ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ये जो रबर बैंड है ना वो थोड़ी और स्ट्रेच होगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग को ये पहले करना पड़ेगा, आपको पहले करना पड़ेगा किसी को दिखाने से पहले। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, आप लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, नहीं तो ये क्या कहते हैं ऐसे टूट जाएगी, टूट क्या कहते हैं हाँ निकल जाएगी ऐसे। इसलिए मैं कह रही हूँ इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होगा। वैसे इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, पर ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बाय।